आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। गोपालगंज में छठे चरण में होने वाले लोकसभा का चुनाव को लेकर एनडीए के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कुचायकोट विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे और पप्पू पांडे के आवास पर एक दिवसीय बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में एनडीए के सैकड़ों कार्यकर्ताओं और नेताओं ने भाग लिया। इस दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए कुचायकोट विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे और पप्पू पांडे ने जेडीयू सांसद और एनडीए प्रत्याशी डॉक्टर आलोक कुमार सुमन के 4 मई को होने वाले नामांकन में सभी जिलेवासियों से शामिल होने की अपील किया और जिले के सभी प्रखंडों से आए एनडीए के कार्यकर्ताओं और नेताओं को 25 मई को होने वाले मतदान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील की। अमरेंद्र कुमार पांडे और पप्पू पांडे ने कहा कि जदयू प्रत्याशी डॉक्टर आलोक कुमार सुमन को भारी मतों से जिताना है और नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है, साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत करना है। गोपालगंज से डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जीत कर जाएंगे तो गोपालगंज का विकास होगा और अधूरे कार्यों को पूरा करेंगे। वहीं जदयू के पूर्व मंत्री राम सेवक सिंह ने एनडीए प्रत्याशी डॉक्टर आलोक कुमार सुमन के 4 मई को होने वाले नामांकन में सभी जिलेवासियों से शामिल होने की अपील किया और 25 मई को मतदान में अधिक से अधिक मतदान कर भारी मतों से आलोक कुमार सुमन को जिताने की अपील किया। जनता दल यू के राष्ट्रीय महासचिव हैं और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री। यह कार्यक्रम जो है एनडीए के प्रत्याशी हम लोग के डॉक्टर आलोक कुमार सुमन है और इनका नामांकन 4 मई को निर्धारित किया गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सभी कार्यकर्ताओं और आम जनता को एक निमंत्रण देने के मकसद से कर रहे हैं कि 4 तारीख को नामांकन में लाखों की संख्या में पहुंचकर कार्यक्रम को सफल बनाइए और आने वाले जो 25 मई है, 25 मई को जो हम लोग के एनडीए गठबंधन की तरफ से माननीय प्रत्याशी डॉक्टर आलोक कुमार सुमन है, जो इनका चुनाव चिन्ह तीर छाप है, उस पर अपना बहुमूल्य मत देकर इनको अधिक से अधिक वोटों से जिताने का काम कीजिए। इसी मकसद से हम लोग आज यहाँ बैठक किए हुए हैं। जिले के एनडीए के प्रत्याशी हैं श्री आलोक कुमार सुमन जी और 4 तारीख को नामांकन है, उसी संदर्भ में आज एनडीए के घटक दलों का आज बैठक चल रहा है, मीटिंग हो रही है और इसमें 4 तारीख को पूरा उपस्थिति दर्ज करवाना है। लोजपा है हमारे साथ, हम पार्टी है, जेडीयू है हम लोगों का पार्टी, बीजेपी है और नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करना है, नीतीश कुमार जी के हाथों को मजबूत करना है। जो गोपालगंज जिला का विकास अधूरा है, हमारे डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी जीत करके जाएंगे तो जो अधूरा सपना यहाँ का है उसको पूरा करने का काम करेंगे और मोदी जी के हाथों को मजबूत करेंगे और आने वाले 25 तारीख को हम लोग तीर छाप का बटन दबा करके भारी से भारी मतों से यहाँ से जिताने का काम करेंगे। जो नरेंद्र मोदी जी का नारा है 400 पार, तो हमारे जो आलोक कुमार सुमन जी है गोपालगंज से 4 लाख पार से चुनाव जीतने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। गोपालगंज पुलिस ने अपराध की योजना बना रहे 7 अपराधियों को गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में पुलिस अधीक्षक कार्यालय से दी गई जानकारी के अनुसार हथुआ थाना पर गुप्त सूचना प्राप्त हुआ था कि हथुआ थाना कांड संख्या 26/22 एवं 49/2024 के वांछित अभियुक्त टाइगर गुप्ता अपने अन्य सहयोगियों के साथ ग्राम मछाकर जगदीश में एकत्रित हुआ है तथा किसी घटना को अंजाम देने की तैयारी में है। सूचना से वरीय पदाधिकारी को अवगत कराते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हथुआ के नेतृत्व में थाना टीम द्वारा उक्त स्थान का छापेमारी की गई, जहां पुलिस ने अवैध हथियार जिंदा कारतूस के साथ 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इन आरोपियों के पास से 2 देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस एवं 3 चाकू बरामद किया गया है। गोपालगंज शहर के कमला राय कॉलेज रोड स्थित स्थानीय कार्यालय में जन सुराज के नेताओं ने एक बैठक आयोजित की। इस दौरान कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हुए पिछले दिनों जिला परिषद को गिरफ्तार कर जेल भेजने को लेकर आक्रोश व्यक्त किया है, साथ ही पुलिस पर साजिश के तहत फंसाने का आरोप लगाया गया है। आपको बताते चले कि जन सुराज के नेता व जिला परिषद सदस्य व पुलिस के बीच हुई विवाद मामले के बाद जिला परिषद सदस्य विकास कुमार सिंह समेत जन सुराज के कई नेताओं ने एक बैठक आयोजित कर पुलिसिया कार्रवाई को लेकर नाराजगी जाहिर की। इस दौरान विकास कुमार ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि पुलिस द्वारा कुछ पार्ट का वीडियो शूट कर वायरल किया गया, जिसके आधार पर FIR दर्ज कर जेल भेज दिया गया।
इसके अलावा जिस पुलिसकर्मी के साथ झड़प हुई उसी के द्वारा FIR दर्ज कर धारा निर्धारित किया गया है। FIR करने के बाद भी कोई जानकारी नहीं दिया गया कि जो कहीं से उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि कौन सा ऐसा अपराध कर दिया था जिसे पुलिस को लगा कि इससे कोई बड़ा अपराधी नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसमें बहुत बड़ी साजिश थी, जन सुराज के लोकप्रियता को दबाने के लिए इसके पहले के जो राजनीतिक दल हैं, उसे लग रहा है कि हमारी जमीन खिसकने वाली है। उन्होंने कहा कि जहां पर जनता के खिलाफ किसी भी अधिकारी द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है या जनता को परेशान किया जा रहा है, तो जन सुराज के एक नेता हम लोग के साथ मिलकर उसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। बहुत सारे मामले हैं, वो जेल में भी रह के आए हैं, मदर केस में जेल में भी रह के आए हैं। विगत दिनों आप लोगों को पता चला होगा, दानापुर में एक पुजारी के हत्या के मामले में एक वहाँ पे कुछ लोगों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था जिसमें पुलिस पे आक्रमण हुआ था। उस प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व हमारे विधायक जी के लड़के कर रहे थे, वीडियो में साफ साफ देखा गया, उन पे केस भी हुआ था, लेकिन आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ। तो मैं पुलिस, गोपालगंज पुलिस से यह पूछना चाहता हूँ, आखिर किस नियम के तहत उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई और हम लोगों के खिलाफ कोई, आप पूरे वीडियो में देख लीजिएगा, मैं एक शब्द भी नहीं बोला हूँ पुलिस के खिलाफ। आखिर किस नियम के तहत मेरे पे 307 का धारा लगाया गया, मेरी गिरफ्तारी क्यों हुई है? क्या इसका साजिश थी? ये बहुत बड़ी साजिश थी, हम लोग जन सुराज की लोकप्रियता को दबाने के लिए ये सब, जो पहले से राजनीतिक दल जो इतने दिनों से बैठे हुए हैं, अब उनको लग रही है कि हमारी जमीन खिसकने वाली है, तो उन लोगों के द्वारा साजिश रची जा रही है और जन सुराज को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जन सुराज एक ऐसी विचारधारा है कि जन जन तक अपनी बात पहुंचा रही है, सब लोग जुड़ रहे हैं, हम लोग कहीं से भी पीछे नहीं हटने वाले हैं। अच्छा, वीडियो में एक बंदूक धरा के धरा रह जाएगा की बात आ रही थी सामने, देखिए वीडियो में एक 26 सेकेंड का पोर्शन ही आपको दिखाया गया है। अगर किसी थाना प्रभारी द्वारा मेरे को और मेरे ड्राइवर को और गलत शब्द गलत लहजा यूज किया जाएगा, तो क्या मेरे साथ रहने वाले जो खुद एक जनप्रतिनिधि है वो अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे सकते हैं? शायद शब्दों का चयन गलत हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम लोगों के द्वारा कोई गलती नहीं हुई है, हो सकता है कि हम लोगों के द्वारा कोई शब्दों का चयन गलत हो जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। अगर आप क्यों नहीं हमारे कप्तान साहब पूरी की पूरी वीडियो रिलीज कर रहे हैं, ऐसा कैसे हुआ कि 26 सेकेंड का ही वीडियो बना है, उसके पहले का वीडियो कहाँ गायब था? एक गंभीर सवाल है, ये सुनियोजित तरीके से अपना पक्ष केवल दिखाने के लिए वो वीडियो रिलीज किया गया है। और जहाँ पे भी, मैं आज बहुत आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जहाँ पे भी जनता के खिलाफ और किसी भी अधिकारी द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है या जनता को परेशान किया जा रहा है, तो जन सुराज के एक एक नेता हम लोग साथ मिल के उसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। अभी गोपालगंज जिले के किसी भी थाना में, चाहे गोपालगंज जिले के किसी भी ब्लॉक और अंचल में किसी भी पदाधिकारी द्वारा भ्रष्टाचार हो रहा है, तो वहाँ पे हम लोग जाके वहाँ पे उसका विरोध करने का कोशिश करेंगे, लोकतांत्रिक ढंग से हम लोग विरोध करेंगे और ये चीज़ें जारी रहेगी। हम लोग किसी के दबाव में आने वाले नहीं हैं, ऐसा कोई ना सोचे कि हम लोगों पर केस करके हम लोगों को फंसा के और हम लोगों पर बहुत ज़्यादा दबाव बनाएगा, तो ऐसे हम लोग दबाव में आने वाले नहीं, हम लोग जनता के लिए काम करने वाले, जनता की समस्याओं को हम लोग उठाएंगे और जनता के लिए हमेशा काम करेंगे। अपने घर या ऑफिस को आकर्षक और डिजाइनर फर्नीचर से सुसज्जित करें, वो भी ब्रांडेड और किफायती दामों में, संतोष फर्नीचर से। जहां मिलते हैं सभी प्रकार के सोफा सेट, पलंग सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस टेबल, चेयर, IMSR, रुद्रांश, POJ, कोहिनूर, SSF, इक्लिप्स ब्रांड के फर्नीचर, साथ ही सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान के थोक खरीदारी के लिए अवश्य पधारें। संतोष फर्नीचर एवं संतोष इलेक्ट्रिकल्स हाउस, 8 कॉलेज रोड, भारत पेट्रोल पंप के सामने, गोपालगंज। विगत 23 वर्षों से आपकी आस्था और विश्वास का प्रतीक क्रिसेंट मिशन स्कूल एंड इंग्लिश मीडियम रेजिडेंशियल स्कूल, मेन रोड थावे, गोपालगंज, और अब हमारी नई शाखा गोवंदरी थावे में भी, जो बिल्कुल अत्याधुनिक उपकरणों के साथ, जिसमें आपके बच्चों के लिए उपलब्ध है वेल क्वालिफाइड टीचर्स, ट्यूशन फॉर वीक स्टूडेंट्स, स्पोर्ट्स एंड गेम रूम, सिंगिंग एंड डांसिंग रूम, मेडिकल चेकअप, साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, प्लेइंग एंड रीडिंग एनवायरनमेंट फॉर स्टूडेंट्स। एडमिशन ओपन्स फॉर क्लास गेट्स अप टू 10। हम आपके नौनिहालों को एजुकेटिंग फॉर बेटर टुमारो के लिए तैयार करती हैं। हम हैं पिपरासी इंटरनेशनल स्कूल रेजिडेंशियल को एजुकेशन, नर्सरी टू क्लास 10, शिक्षा का हाइब्रिड मॉडल, दिल्ली NCR के प्रसिद्ध स्कूलों के साथ गठजोड़ और छात्र विनिमय कार्यक्रम,
उच्च या विदेशी शिक्षा हेतु उपयुक्त छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, गर्मियों की छुट्टी के दौरान खेल, पाठ्येतर और शैक्षणिक गतिविधियों के लिए समर कैंप, 10 छात्रों पर एक शिक्षक का अनुपात। एडमिशन ओपन, विप्रासी इंटरनेशनल स्कूल, थावे रोड, गोपालगंज। आपकी सेवा में विगत 73 वर्षों से विश्वास का प्रतीक रामकृष्णा ज्वेलर्स। हमारे यहाँ 916-750 का हुड होल मार्क सोने की चांदी के आभूषण मन चाहे डिजाइन के लिए अवश्य आए। साथ ही IGI द्वारा प्रमाणित हीरे के जेवर की पूरी रेंज उपलब्ध, जो मन को भावी। रामकृष्ण ज्वेलर्स, मेन रोड, गोपालगंज। मुसाफिर हुंडई अब आपके शहर गोपालगंज और सिवान में भी। अब हुंडई का कार लेना हुआ और भी आसान। 1,00,000 रुपए डाउन पेमेंट देकर कार अपनी घर ले जाएं। साथ ही 50,000 तक का ऑफर। अनुभव कीजिए सुरक्षित ड्राइव का गोपालगंज में मुसाफिर हुंडई के संग, जहां एक ही छत के नीचे सेल्स, सर्विस, फाइनेंस और एसेसरीज भी उपलब्ध। तो देर क्यों, आज ही आए और अपनी मनचाही कार ले जाए मुसाफिर हुंडई से। उत्कृष्ट आभूषण अब आपके और भी करीब सिवान में। रियल ब्रांड्स ऑफ बिहार, तनिष्क रीवा। वेडिंग ज्वेलरी पाएं 100% एक्सचेंज अपने पुराने सोने के गहनों पर, चाहे वो किसी भी ज्वेलर से खरीदे गए हों। 20% तक की छूट गोल्ड ज्वेलरी के बुनवाई शुल्क और डायमंड मूल्य पर। एक्सक्लूसिव शोरूम तनिष्क रीवा, नियर बबुनिया मोड़, सिवान। गोपालगंज में लोकसभा सुरक्षित सीट को लेकर एक प्रत्याशी ने नामांकन किया। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर सुरेंद्र राम ने अपना नामांकन दाखिल किया है। इसके अलावा गोपालगंज में NDA से जदयू के प्रत्याशी डॉ. आलोक कुमार सुमन, महागठबंधन से VIP के सीट पर प्रेम नाथ चंचल और चंचल पासवान चुनाव मैदान में हैं। तो वहीं OVC के पार्टी AIMIM से दीनानाथ माझी को टिकट दिया गया है। गोपालगंज सुरक्षित लोकसभा सीट से AIMIM के एंट्री से यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। गोपालगंज में 6वें चरण में आगामी 25 मई को मतदान होना है। 29 अप्रैल से यहां पर नामांकन दाखिल करने की शुरुआत हो गई है। हालांकि अभी तक सिर्फ एक प्रत्याशी ने निर्दलीय के तौर पर नामांकन दाखिल किया है। 4 मई को NDA के प्रत्याशी डॉ. आलोक कुमार सुमन अपना नामांकन दाखिल करेंगे। 4 मई को ही VIP के उम्मीदवार प्रेमनाथ चंचल उर्फ चंचल पासवान भी नामांकन दाखिल करेंगे। और इसी दिन गोपालगंज शहर के VM फील्ड में पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और VIP सुप्रीमो मुकेश कुमार साहनी इंडिया अलायंस के प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। गोपालगंज जिला समाहरणालय में नामांकन दाखिल करने को लेकर हेल्प डेस्क की स्थापना की गई। इस हेल्प डेस्क से कोई भी प्रत्याशी या उसके समर्थक या प्रस्तावक जानकारी ले सकते हैं, ताकि फॉर्म भरने के दौरान उनके फॉर्म के छटने की संभावना कम हो। हेल्प डेस्क के मास्टर ट्रेनर मोहम्मद अली शेर ने बताया कि जो निर्दलीय प्रत्याशी होंगे उनके लिए 10 प्रस्तावक की जरूरत होगी, जबकि राष्ट्रीय क्षेत्रीय दल के प्रत्याशी को सिर्फ एक प्रस्तावक की जरूरत होगी। मोहम्मदपुर थाना की पुलिस ने सोशल मीडिया पर हथियार लहराते हुए आम जनता को दहशत फैलाने वाला एक वीडियो प्राप्त हुआ है, जिसको लेकर पुलिस ने अनुसंधान शुरू किया। तो ये वीडियो एक ऐसे आरोपी का निकला जिस पर पहले से ही मोहम्मदपुर थाना में एक मुकदमा दर्ज था। इसके बाद पुलिस ने इस आरोपी को गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर लिया। इसके पास एक देसी कट्टा भी बरामद हुआ है। इस मामले में पुलिस के द्वारा जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का आरोपी बबलू कुमार उर्फ बेलदार, पिता पारस महतो, साकिम कुशर, थाना मोहम्मदपुर को देसी कट्टा के साथ गिरफ्तार कर लिया गया और इस पर पुलिस के द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। गुरुवार को जिला व्यवहार न्यायालय के चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स गोपालगंज के द्वारा एक ठंडे पानी का मशीन लगाया गया, जिसका उद्घाटन माननीय जिला न्यायाधीश राकेश कुमार मालवीय के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। न्यायाधीश के चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के मौजूदा सदस्यों को दिल से आभार प्रकट किया गया और कहा कि चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स से सीख लेते हुए और संस्थानों को ऐसे धर्म के कार्यों में रुचि लेना चाहिए, ताकि जरूरतमंदों को उसका लाभ मिल सके। मौके पर अध्यक्ष संजीव कुमार पिंकी, सचिव अमित कुमार रुंगटा, सह सचिव चंदन चौरसिया, जगत नारायण, विनोद तिब्देवाल, परमात्मा सिंह, योगेंद्र प्रसाद, सुरेश प्रसाद, ब्रिज पांडे आदि उपस्थित रहे।
मजदूर दिवस के अवसर पर बुधवार के दिन अलायंस क्लब ऑफ थावे माँ भवानी के सदस्यों द्वारा मजदूरों के बीच गमछा का वितरण किया गया। अलायंस क्लब की अध्यक्ष अशोक कुमार शर्मा ने बताया कि थावे बस स्टैंड और थावे बाजार में 40 मजदूरों के बीच गमछा आदि सामान का वितरण किया गया। मौके पर क्लब की उपाध्यक्ष गोविंद गुप्ता और गप्पू गुप्ता, कोषाध्यक्ष राजीव रंजन, डॉक्टर नीरज मिश्रा, रंजन यादव, डॉक्टर सुनील सहित लायंस क्लब के सदस्य मौजूद थे। गोपालगंज जिले में आगामी लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के छठवें चरण में मतदान दिवस 25 मई 2024 को होगा। इस उद्देश्य से भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी मोहम्मद मकसूद आलम ने 85 वर्ष से अधिक उम्र के और दिव्यांग मतदाताओं के लिए मतदान की सुविधा को सुनिश्चित करने के लिए फॉर्म 12D का वितरण और होम वोटिंग का आयोजन किया। इस क्रम में गोपालगंज जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में 85 से अधिक उम्र के और दिव्यांग मतदाताओं को बीएलओ द्वारा फॉर्म की प्राप्ति का कार्य किया जा रहा है। इस सुविधा का लाभ सभी चिन्हित व्यक्तियों को प्रदान किया जा रहा है। बरौली थाना क्षेत्र के नवादा गाँव के चंदन टोला में गुरुवार को अचानक हुई आग लगी में 5 घर जल कर राख हो गए। पछिया हवा की वजह से आग ने विकराल रूप ले लिया। वह 5 घरों में रखे थोड़े नकदी, कपड़ा, गेहूं, चावल व अन्य कीमती सामान आग में जलकर राख हो गए। ग्रामीणों व अग्निशमन दल के घंटों प्रयास के बाद आग पर काबू पाया गया। पीड़ितों ने बताया कि नगद समेत लगभग 5 लाख से अधिक कीमती सामान आग में जलकर राख हो गए हैं। गोपालगंज में आगामी लोकसभा चुनाव के छठवें चरण में मतदान की तैयारियां शुरू हो चुकी है। नामांकन प्रक्रिया 29 अप्रैल से शुरू हो चुकी है और तीसरे दिन ही एक प्रत्याशी ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी और उनकी टीम ने नामांकन के दौरान शुद्धता और व्यवस्था की निगरानी की। उनका लक्ष्य था कि नामांकन की प्रक्रिया बिना किसी औरत के उत्पन्न हो। वे और उनकी टीम ने कड़ी मेहनत करके सुनिश्चित किया कि सभी प्रत्याशियों का नामांकन समय पर हो, जिसे कोई आधिकारिक असुविधा न हो। इस समय केवल 4 प्रत्याशियों ने नामांकन की रसीद जमा कराई है और अब वे मतदान के लिए तैयार हैं। नामांकन प्रक्रिया के दौरान सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपनी ड्यूटी पर ठीक से ध्यान दिया। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।